क्योंकि एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से है। अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान को बड़े झटके को लेकर यह बड़ी खबर है। एफएटीएफ की बैठक से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। लश्कर ए तैयबा का नाम विदेशी आतंकी संगठन में बरकरार है। अमेरिका ने लश्कर का नाम आतंकी सूची में बरकरार रखा है। पाकिस्तान स्थित लश्कर ए झांगवी समेत 7 आतंकी संगठनों का भी नाम जोड़ा है। अमेरिका ने 2001 में लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन करार दिया था। तो पाकिस्तान का को यह बड़ा झटका एफएटीएफ की बैठक से पहले। और इस वक्त हमारे साथ कासवर लगातार बने हुए हैं। कासवर, पाकिस्तान लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है ताकि जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट बरकरार है इससे किसी तरह से उसको निजात मिल पाए, लेकिन अब यह जो बड़ा झटका है एफएटीएफ की बैठक से पहले, इसे किस तरह से देखा जाएगा पाकिस्तान के लिहाज से? देखिए, ये वाकई एक, आप इसको झटका नहीं कह सकते, ये पाकिस्तान की तरफ से तो कोशिश रही है कि एफएटीएफ से की ग्रे लिस्ट से निकला जाए किसी भी तरीके से। इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो तुर्की हो गया और मलेशिया हो गया, इस किस्म के मुस्लिम कंट्रीज हो गए, उनको मिलाया जाए। लेकिन ये जो अभी आप बात करें लश्कर ए तैयबा की, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी बहुत बड़े क्रैक डाउन लॉन्च किए हैं इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो मुक्तदर हलके हैं वो तो इसको बड़े अच्छे तरीके से ले रहे हैं कि हमारी जो कोशिशें हैं वो पावर हो रही हैं और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का। चलिए ठीक है, तो अब देखना होगा कि क्या वाकई में पाकिस्तान, तो हालांकि तमाम बातें दावे करता है लेकिन सच्चाई भी दुनिया के सामने, और अब क्या होता है एफएटीएफ की बैठक में नजर होगी। शुक्रिया अभी के लिए कासवर आपके इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको अंजलि बड़ा बताने वाली है कि पाकिस्तान की मुश्किलें आखिरकार कैसे बढ़ने वाली हैं। अंजलि, ओवर टू यू। जी हाँ, हम वो जरूरी बातें आपको बताएंगे जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर अब एफएटीएफ के ब्लैकलिस्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, फरवरी के महीने में होनी है एफएटीएफ की बैठक और पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट पर इसमें फैसला होना है कि पाकिस्तान पहले से ही ग्रे लिस्ट में है, अब आगे क्या होगा। पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ 27 बिंदुओं पर करना था काम। 27 सवाल भी पूछे गए थे लेकिन उसका जवाब देने में असफल रहा पाकिस्तान। अक्टूबर 2020 में सिर्फ 21 बिंदुओं पर ही पाक ने काम किया था। 27 बिंदुओं पर काम ना होने से ब्लैकलिस्ट हो जाएगा पाकिस्तान। ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए हाल में कई दिखावे वाली कार्रवाई भी की गई जिसमें कहा गया कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी भी होगी। ब्लैकलिस्ट होने से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद भी बंद हो जाएगी। और एफएटीएफ को लेकर किसी लिए बहुत ज्यादा डरा हुआ है पाकिस्तान की, कहीं ऐसा ना हो कि अब ग्रे लिस्ट से हम ब्लैकलिस्ट में आ जाएं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।